प्रिय छात्रों नमस्कार, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ की जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए है, यानी इसका आपका सब्जेक्ट है गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो का मैथमेटिक्स का वीडियो फोर्थ है। अगर जो आप लोग पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन में क्लिक करके पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थर्ड देख लीजिए। चाहे इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उससे आप उसको विजिट करके आराम से देख पाइएगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस के बारे में बात किया था। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। यानी कोई कारण बस 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन हैं एक साथ आपको मिल गए, यानी टोटल पेन कितना हो गया 144। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता, यानी उस पेन को जो पूरा बंडल है उसको देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या कौन पेन अच्छा है। यानी उस जो बंडल है एक साथ जो मिलाया दिया गया, यानी एक साथ जो मिला गया, मिलाने के बाद उसमें से आपको मालूम यह नहीं चलेगा कि कौन सा पेन अच्छा है और कौन सा पेन खराब है। इस प्रकार बोला है, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छित निकाला जाता है, इसमें से एक पेन यादृच्छित निकाला जाता है, तो निकाले गए पेनों की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। जो उसमें से जो निकालेंगे पेन, क्या संभावना होगा कि वह पेन अच्छा ही होगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41 नंबर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब है। यानी 144 जो बॉल पेन है उसमें से 20 बॉल पेन क्या है आपके खराब है, उसको शेष यानी घटा लीजिएगा तो शेष जो बच गया से अच्छा पेन है। 144 में से 20 को घटाएगा तो कितना बचेगा, 124 अच्छे पेन है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा पेन है, तो आप लोग तो अच्छा पेन ही खरीदना पसंद करोगे, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। यानी खराब पेन तो कोई खरीदता ही नहीं है। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छित एक पेन निकालकर आपको देता है, यानी दुकानदार इसमें से बिना देखे हुए कि कौन सा पेन अच्छा है कौन सा पेन खराब है, उसमें से एक पेन यादृच्छित बिना देखे हुए समझे हुए एक पेन आपको निकाल के देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक नंबर में है आप वह पेन अच्छा है, यानी सॉरी आप वह पेन खरीदेंगे, यानी कौन सा पेन खरीदेंगे जो पेन अच्छा होगा उसको पहले चेक करके खरीदेगा आप लोग। सेकेंड है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी जो खराब पेन है उसको हम नहीं खरीदेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर क्वेश्चन, क्या है संभव घटना एवं असंभव घटना क्या है। इसका आपको डिफिनेशन लिखना है, परिभाषित करना है कि संभव घटना किसे कहते हैं और असंभव घटना किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 44 नंबर क्वेश्चन, अच्छे प्रकार से फेंटी गई, यानी अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तियों की एक गड्डी में से, यानी अच्छी तरह क्लास में पूरा कितने पत्तियां होती है तो 52 पत्तियां होती हैं, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया गया, एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, यानी वो गड्ढी है पूरा 52 पत्तियों की उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक नंबर में एक इक्का होगा, यानी क्या प्रायिकता होगा कि वह एक इक्का होगा। दूसरा है एक इक्का नहीं होगा। 45 नंबर आपका क्वेश्चन आता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी दो अंक की संख्या है उसके अंकों का योग 9 है, तो पहली संख्या x मानिएगा दूसरी संख्या वाई, दोनों का अंकों का योग कितना है 9 है। ठीक, पहला इक्वेशन हो जाएगा, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, यानी इस संख्या को जो 9 गुना है यानी x प्लस वाई के, यानी संख्या इकाई अंक की संख्या दहाई अंक की संख्या मान के इसको बना लीजिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छे प्रकार आपसे बनेगा। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिए अगली बार हर एक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आपसे प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन का हमें नहीं बन रहा है, तो प्रॉब्लम उसको मैं डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोगुना है तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। अगला आपका क्वेश्चन आता है 46 नंबर, 46 नंबर क्या है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, जो बड़ा वाला कोण है संपूरक कोण उसमें से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आपका आता है 47 नंबर, सॉरी क्या है, यदि किसी भिन्न संख्या के अंश तथा हर में दो जोड़ दिया जाए, ये अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए तो दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो प्रतिस्थापन द्वारा भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका प्रतिस्थापन रहेगा, चाहे आपको सीधा ही रहेगा कि वह भिन्न ज्ञात करे, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन रहेगा। 47 तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 48 नंबर, क्या है,
पांच वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी जैकब है उसकी आयु 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है, ये आपका क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है ग्राफ विधि से हल करिए। तो कुछ ग्राफ विधि के लिए मैं 4-5 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 4y बराबर 12। दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 6 तथा 4x माइनस 2y बराबर 4 है। अगला है x प्लस 2y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12। अगला क्वेश्चन है 2x माइनस वाई बराबर 2 तथा 4x माइनस वाई बराबर 4। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ग्राफ विधि के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके एक वीडियो में आपके ग्राफ के किस प्रकार से ग्राफ को अच्छी तरह से हल करने के लिए एक वीडियो आपके लिए मैं बनाने वाला हूँ। यह उसमें आपकी ग्राफ के जितनी क्वेश्चन होंगे सभी की डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगे ग्राफ में ले। तो ग्राफ क्वेश्चन एक दो इसी में से हो सके तो इसी में से किसी एक दो क्वेश्चन को मैंने उसमें हल करके आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि किस प्रकार ग्राफ से हल किया था और कैसा कैसा आपका फिगर बनने वाला है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, यानी 50 नंबर जो क्वेश्चन आपका लास्ट है, और कुछ हो सके तो अगर इससे क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, अगर जो क्वेश्चन बढ़े तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लूँगा। तो आपका 50 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 2 महिलाएँ एवं 5 पुरुष एक कसीद से कसीद के काम को 7-7 4 दिन में पूरा कर सकता है। कोई काम है जो 2 महिलाएं मिलकर और 5 पुरुष मिलकर उसको कितना दिन में समाप्त कर लेती है, तो 4 दिनों में समाप्त कर लेता है, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर लेता है। कह रहा है पहले, कह रहा है पहले हाफ हाफ पढ़िएगा, क्या 2 महिला और 5 पुरुष किसी काम को कितना दिन में समाप्त करता है, तो 4 दिन में करता है। तो इसको बनाने के लिए आप मान लीजिए कि महिला द्वारा किया गया कार्य एक्स है, पुरुष द्वारा किया गया कार्य वाई है, तो चाहे संख्या मान लीजिएगा तो इसका 1 दिन का दोनों का निकाल के उसका बनाइएगा तो 4 दिन का है, जबकि कह रहा है कि 3 महिला और 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकता है। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लगाएगी, यानी एक अकेली महिला को कितना समय लगेगा इस पूरा कार्य को करने में, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष का भी कितना समय लगेगा। यानी ये जो आपका क्वेश्चन दिया है कि 2 महिला 5 पुरुष 4 दिन में करता है, फिर 3 महिला 6 पुरुष मिलकर 3 दिन में करता है, तो आपको यह निकालनी है इसमें से कि एक महिला को कितना दिन लगेगा काम और एक पुरुष को यह काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो ये आपके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, ये आपके लगभग पूरा हो गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर जो आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। और इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम की तैयारी, क्लास 10th और क्लास 12th की एग्ज़ाम की तैयारी बड़ी ही शोरों से हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को आप लोग बहुत अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।